स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक इंग्लिश का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने जा रही हूं। पर क्या करवाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, ऐसा अक्सर होता है ना, हमारे दिमाग में चलती है ये चीजें कि कहाँ जाऊं, कब पहनूं, क्या करूं, क्या ना करूं। दिमाग में ऐसे ऐसे हिंदी हम सोते, फिर हम सोते उसकी इंग्लिश कैसे बनाएं। आज मैं आपको यही बताती हूँ कि इसको हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या ना करूं, व्हाट नॉट टू डू। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो भी चीज बोलनी है उसके साथ आपने टू के बाद वो वर्ब लगा देनी है। करने का जैसे डू हो गया, यदि मैं कहती हूँ क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड, क्या खेलूं, व्हाट टू प्ले, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। इस तरह से वर्ब लगाकर आपने जो चीज बोलनी हो उसके साथ वो चीज लग जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आ गया कहां जाऊं। कहां का मतलब क्या होता है आपको पता है ना बच्चे, वेयर टू, और गो का मतलब जाऊं का मतलब गो, वेयर टू गो, कहां जाऊं। इसी तरह से मैं बोलूं कब जाऊं, कब पढ़ूं, कब खेलूं। कब का मतलब क्या होता है, कब पढ़ूं, when to read, कि कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं when, कहां को क्या कहते हैं where, okay, is that clear? कब खाऊं, when to eat, अब देखो कब तक ठहरूं, कब तक का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ लॉन्ग ठहरना क्या होता है स्टे, हाउ लॉन्ग टू स्टे। इसी तरह से आपको ये WH फैमिली के वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ, कैसे जाऊं, कैसे करूं, कैसे खेलूं। कैसे का मतलब हाउ, खेलना, हाउ टू प्ले, इज दैट क्लियर। इसी तरह से हमारे ये सेंटेंस बनते जाएंगे।